Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. पुत्र गणेश अभी तक लौटे क्यों नहीं? गणेश के वाहन मूषक जी इतनी धीमी गति से क्यों चलते हैं? मुझे शीघ्र पार्वती का समाचार चाहिए। प्रणाम पिताश्री। पुत्र तुम्हारी माँ। पिताश्री, माँ ने कहा। तुम्हारी माँ से भेंट तो हुई ना, वो कुशल तो है? हाँ पिताश्री। क्या कहा माँ ने? पिताश्री, माता आपका प्रस्ताव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, वो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जिसके मेरे कंठ पे हाथ रखने से मैंने हलाहल विष को अपने भीतर जाने से रोक दिया, उसकी हाँ तो मेरे लिए अमृत के समान है पुत्र। मैं तो इसी कल्पना से प्रसन्न हूँ पिताश्री कि आप और माता पुनः एक साथ होंगे। चलिए पिताश्री। पुत्र, मैं भी उमा का साथ पाने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकता। महादेव। प्रणाम महादेव। प्रभु, हम यहाँ लौट आए हैं क्योंकि माँ ने हमें आपके पास भेजा है। तेरी माँ नहीं ताती थी कि आप यहाँ आते ले लें। और अब जब आपने माँ के पास जाने का निर्णय लिया है तो हम भी आने लुटेंदे। प्रभु, हम भी आपके साथ चलेंगे। क्योंकि प्रभु, हमारा संसार तो वही है ना जहाँ आप और माता है। चलो पुत्र। चलिए नंदी जी, मुझे शीघ्र ले चलिए। मेरी प्रतीक्षा कर रही है, मुझे सबसे पहले उसी के पास जाना होगा। माँ आपको वहां देखकर बहुत प्रसन्न होंगी पिताश्री। वचन देता हूँ, इस कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व ही मैं पिताश्री को लेकर यहाँ आपके पास लौटाऊंगा। ओम नमः शिवाय। 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 मेरा भक्त पुकार रहा है मुझे, किंतु इस बार मैं अपनी पत्नी पार्वती की पुकार को अपने भक्त की गुहार से स्थिर नहीं पड़ने दे सकता। ओ माँ मेरी अर्धांगिनी, तुम्हारे प्रति मेरा कर्तव्य दायित्व
आज मुझे तुम तक अवश्य ही पहुंचाएगा। स्वामी अभी तक क्यों नहीं आए? मैं व्यर्थ ही चिंता कर रही हूं, अपनी उमा के पास वो अवश्य आएंगे। मुझे धीरज रखना होगा। किंतु उनकी प्रतीक्षा में मैं तो ये भूल ही गई कि उनके स्वागत के लिए मुझे तैयार भी होना। निराश मत होइए, उन्होंने वचन दिया है मुझे, वो शीघ्र अपना कर्तव्य निभाकर यहाँ आ जाएंगे। माँ, इस कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व ही पिताश्री यहाँ होंगे। तुम्हें कैलाश छोड़कर जाना होगा। इस समय मेरा धर्म मुझे मेरे भक्त के पास जाने के लिए विवश कर रहा है। पुत्र, मैं तुम्हारे पिताश्री के स्वभाव से भली भांति परिचित हूं। उनका कोई कर्तव्य, उत्तरदायित्व अथवा उनके किसी भक्त ने उन्हें विवश कर रोक ही लिया हो। जब तक आप मुझे वरदान नहीं देंगे, मैं आपको यहां से नहीं जाने दूंगा। प्रभु, मुझे ज्ञात है कि तुम अधीरता के साथ मेरे लौटने की प्रतीक्षा में हो, किंतु अब यह कठिन सा प्रतीत हो रहा है। उमा, वक्त बहुत हुआ। इस बार प्रतीक्षा नहीं करूंगी मैं। इस पुष्प के मुरझाने के पूर्व वो यहां नहीं आए तो मैं यहां से प्रस्थान करूंगी। कर्तव्य निजी स्वार्थ से ऊपर ही होता है। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो कौन से मार्ग को चुनता है।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.